अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट में आपके यूज होंगे स्ट्रिंग्स ओनली। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर भी होता है, कैर करके होता है, इसमें आप खाली स्ट्रिंग करेंगे। इसमें नंबर से ही जनरेटेड है डेट के लिए, डेट आप यूज करते हैं, कर सकते हैं इसके अंदर। डेट उसका कीवर्ड भी डेट ही है। करेंसी यूज कर सकते हैं, उसके लिए करेंसी है, ठीक है जी। तो ये तो है, आप इसके वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे इसमें कि इसमें किस समय क्या यूज करना है। अभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। वॉइस क्या सर, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही डबल आ रही पता। है? मुझे आपकी वॉइस थोड़ा कट कट के आ रही है एक्चुअली। मे बी आपका डाटा कनेक्शन स्लो तो नहीं है? हाँ, आपका ऑफलाइन दिखा रहा है मेरे में। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स। अब लूप क्या होते हैं? किसी भी प्रोसीजर में, सब प्रोसीजर में, अगर आपको एक टाइप की इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट करनी होती है तो उसके लिए लूप्स का यूज होता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग है एक वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, डिम आई एज इंटीजर। हेलो, चलिए। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि हम लूप सिस्टम, लूप में क्या होता है कि हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो बार 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 रिपीट होती रहती है, ठीक है जी। बार 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 ओके। बार रिपीट होने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए डी है। अब इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, अगर जैसे रेंज ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं D1 to D10। एक तो मैं डायरेक्ट वैल्यू इसमें दे सकता हूँ, मैं करता हूँ इक्वल टू 10। ओके, तो जब मैं इसको प्ले करता हूँ, इसको चलाता हूँ, तो ये 10 वैल्यू एक साथ आ गई, ठीक है जी। ये थी मेरी एक ओके इंस्ट्रक्शन, ये थी मेरी एक इंस्ट्रक्शन D1 to D10। लूप क्या होता है, जब एक इंस्ट्रक्शन को आपको बार 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 चलाना होता है, उसके अंदर आप एक करेक्टर लेकर, आई एज इंटीजर ले लिया मैंने, अब इंटीजर फॉर, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर लूप आई, यहाँ पे इक्वल टू क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, 2, जहां तक हमें चलाना है 10। ये 10 स्टेप में चलेगा। इसको हमें नेक्स्ट आई, ये इसका फॉर्मेट है किसी भी लूप का, जो हमारा फॉर लूप है इसका फॉर्मेट ये है। इसका मतलब है कि फॉर आई, आई को हमने अपने पहले 1 वैल्यू पे सेट किया, ठीक है जी। 1 से लेकर 10 तक आपको चलाना है ये। हर बार आई की वैल्यू जैसे ही वो नेक्स्ट आई में आएगा, उसमें 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। ये वापस इस पे आ जाएगा, फिर 2 से चलेगा। अब मैं आई का यूज, हर बार जो वैल्यू बदल रही है उसका, इसमें कहाँ करूंगा, इस पे मैं कंकेटिनेट कर दूंगा आई को, ठीक है जी। अब इस लूप का मतलब क्या हुआ कि
हमने पहले आई डिक्लेयर किया, अब यहाँ पे इसके चलने पे आई में पहली वैल्यू आई, एक आया, फिर इसने रेंज डी वन, आई में एक वैल्यू थी तो वन में 10 सेव कराया, ये चला नेक्स्ट आई, आई में प्लस हुआ एक और तो दो बन गया, ये वापस यहाँ आता है, मतलब 1 to 10 जब तक ये वैल्यू 10 नहीं हो जाती ये ऐसे ऐसे बार बार चलता रहेगा। अब इसको चला के देख लेते हैं, आ गया, इसकी फंक्शनैलिटी समझने के लिए इसको थोड़ा सा रोक के चलाते हैं, एक एक हम उसको चलाते हैं, इसको रन में करके हम ये F8 से स्टेप इनटू चलाते हैं, स्टेप इनटू F8 प्रेस करेंगे तो पहले हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, अब हम आई पे आ गए, आई में डायरेक्ट 1 की वैल्यू आई, यहाँ पे आ गए, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, आई में जब जाके देखेंगे तो हमारी एक वैल्यू यहाँ शो कर रहा है, ठीक है जी। अब जैसे मैंने F8 किया, नेक्स्ट आई पे आया, अब आई को चेक करेंगे यहाँ तो ये 2 पे आ चुका है, इसी तरह से जब हम चलाते जाएंगे ये हमेशा बार 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 ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, आई में चेक करा 8 आ गया, 10 आ गया, अब 10 में क्या हो जाएगा, ये एंड, आई जैसे ही 11 हुआ, नेक्स्ट आई हुआ, फिर इसने यहाँ चेक किया, यहाँ तो 10 लिखा हुआ है तो 10 तक ही चलना है, तो इसलिए एंड पे आ गया। इसी तरह से हमारा D1, 2, 3, 4, 5, 10 तक इसने फिल करा दिया। तो लूप का ये फॉर्मेट है, वही इंफॉर्मेशन बार 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 इंस्ट्रक्शन को रिपीट चलाता है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ कुछ नंबर है, एक कंडीशन डालेंगे, जैसे हम इफ कंडीशन डालते हैं, इफ कंडीशन में, सर एक मिनट, हाँ जी सर, हेलो, हाँ जी सर, अभी क्या है आप, मैं लास्ट टाइम मैंने लूप क्लास में जो बताया था मेरे को समझ में आया था, अभी आप इधर देखा, आई इक्वल टू 1 to 10 है, ओके, हाँ, तो आई का कोई वैल्यू नहीं रहता पहले, आई को, हाँ, फिर एक वैल्यू डालेंगे, वैल्यू यहाँ से डल गई, 1 डालना पड़ेगा, हाँ, देखिए आप ये जो 1 है ना, ये 1 जो मैंने यहाँ दे दिया है डायरेक्ट, हाँ, आप इसको अलग से भी दे सकते हैं, पर उस केस में मैं यहाँ पे वो नहीं दूंगा, नहीं 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 इक्वल टू देना पड़ेगा, यहाँ जो वैल्यू आई में जाएगी वो यहाँ से जाएगी, ओके, तो आप जो वैल्यू इक्वल टू करके असाइन करेंगे वो आई में चली जाएगी। अगर मैं इसको 3 से चलाता हूँ तो देखिए क्या होता है, 3 से अगर चलाता हूँ तो ये D3 से चलता है, 3 से 10 तक, ठीक है जी, आई अभी खाली है, वैल्यू इसमें यहाँ पे जाके आई, अभी अब बोले तो 3 और रो से ले गिन रहा है, यस, हाँ, अब देखिए क्या हो रहा है, रेंज रेंज को आप जानते हैं, रेंज क्या करता है, रेंज में हम क्या करते हैं, ओके, रेंज में हम इस तरह एक्सेल शीट को आ जाइए, ओके, अभी तो देखो D3 से है, हाँ, रेंज आपने बना दिया D, हाँ, प्रोग्राम पे चले जाइए, हाँ, डी आपने असाइन किया एंड 1, एंड 1, यस, है ना, डी एंड नोट एंड वन, मत एंड वन मतलब एंड क्या लिखा आप उसने उसमें, जैसा आप एक्सेल में कंकैटिनेशन साइन यूज करते हैं, एक्सेल में अगर आप, मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ, ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा इसको एंड कोई भी सेल रेफरेंस दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 लिखा है तो 2 आ जाएगा, तो जिस तरह मैं इस सेल को यूज कर रहा हूँ उसका नाम आई है, और आई के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो मेरा इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ओके, ओके, तो
डी एंड आई का मतलब है जब इसकी वैल्यू बदलती जाएगी 3, 4, 5 तो डी 3, डी 4, डी 5, डी 6, डी 10 तक ये चलेगा और वैल्यू सेट करता चला आएगा। ठीक है सर। और एक्सेल शीट पे आ जाइए, आपने उसे लिखा 3 to 10। यस 3 to 10 बोले तो ये 10 कहां से आया बोले तो, ये 1 + 2 + 3 गिना, हाउ इट हैज कम टू 10। नो नो, आप इसमें मेरे ख्याल से वैल्यू में कंफ्यूज हो रहे हैं। जो ये वैल्यू है मैं कुछ और दे देता हूँ, ये 10 कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं 900 दे देता हूँ, अब इसको प्ले करता हूँ। ओके तो आप प्रोग्राम पे आ जाए, जो मैं प्रोग्राम वीवी पे। ओके तो आपने यहाँ, हाँ ये जो डी आई है इसका मतलब है जब आपकी आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हर बार ये हमारा लूप दोबारा दोबारा चलेगा जब तक वो वैल्यू 10 नहीं हो जाती। यहाँ पे आई में प्लस होता जाएगा, नेक्स्ट आई का मतलब है आई की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी हर बार। जब भी प्लस होगी ये यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि ये 10 से छोटा है, अगर 10 से छोटा है तो फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू इसको देगा और इस ये रेंज जो है उसे सेल में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू बाहर सेट करेगा। समझो, 3 to 1 करो तो क्या होगा, 3 to 10 नहीं, 3 to 1 करो। माइनस में आप इसको नहीं चला सकते सर, ये हमेशा नेक्स्ट का मतलब है प्लस करना। अगर आप इसको माइनस में चलाना चाहते हैं, सपोज मैं इसको 10 to 1 चलाना चाहता हूँ, एक बार चला के देखते हैं, फिर एक्चुअल कैसे चलाएंगे वो दिखाता हूँ आपको। मैंने चलाया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नेक्स्ट आई जो है हर बार इस वैल्यू में प्लस कर देता है। अगर यहाँ 10 है तो वो 11 हो गया। ठीक है जी। इसके लिए एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस करता हूँ, स्टेप। अगर मैं स्टेप में -1 दे दूं तो ये नेक्स्ट आई जो है हमेशा इसको माइनस करता चला जाएगा। पहले 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा। मैम बैक थोड़ा भेजिए, ये देखिए। ठीक है सर। तो स्टेप की मदद से आप इसको नेगेटिव में भी चला सकते हैं, प्लस मैं वापस इसको 1 to 10 करता हूँ और स्टेप में मैं 2 दे देता हूँ, सिंपल 2। अब ये क्या करेगा, 2-2 का इंक्रीमेंट करेगा, 1 में 2 जोड़ेगा 3, फिर 3 में 2 5। इस जिसका रिजल्ट ये आएगा कि पहले D1 में ये वैल्यू डालेगा, फिर D3 में डालेगा, फिर D5 में, मतलब एक सेल आपकी छोड़ देगा। इसको चला के दिखाता हूँ, एक स्टेप छोड़ दिया क्योंकि वो 2-2 बढ़ रहा था हर बार। ये आपको समझ आया सर? इतना एक मिनट आप एक्सेल पे आ जाइए, आई जस्ट वांट टू रीड द थिंग्स। ओके सर, आपने गैप दे दिया क्या? हाँ जी, गैप दे दिया क्योंकि पहले वो देखिए, पहले 1 की वैल्यू थी। स्टेप 2 का मतलब है हर बार नेक्स्ट आई में इसमें 2 जुड़ेगा, तो 1 की वैल्यू थी आई में, तो D1 में पहली वैल्यू 900 पड़ गई। अब स्टेप 2 था तो 1 में जो है 2 एडिशन हुआ, तो ये अब आई की वैल्यू 3 आ गई, तो D3 में अगला रिजल्ट आपका D3 में आया। अब स्टेप 2 था, फिर 5 में आया, फिर 7 में आया, फिर 9 में आया, ये स्टेप की वजह से। अभी ये द मोमेंट इट रीच टू 10 काउंट हो गया तो अपने आप बाहर आ जाएगा वो। यस यस यस।
ठीक है जी, रिवर्स में चलाने के लिए रेंज डी इक्वल एन वन बोले तो है? डी में हमने रेंज में जो दिया डी एंड आई, डी एंड आई बोले तो डी में आई का वैल्यू चला जाएगा, डी के साथ आई का वैल्यू जॉइंट हो जाएगा सर, सिंपल। हाँ ये हो रहा, डी का कुछ का वैल्यू नहीं, ये D का खुद का वैल्यू कुछ नहीं है, ये देखिए ये D वो नहीं है, ये रेंज वाला D है सर। रेंज का D का मतलब क्या होता है, ये जो आप यहाँ पे कोड देख रहे हैं ना नेम बॉक्स में, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इस पे करता हूँ तो यहाँ क्या देख रहे हैं, डी वन डी थ्री, तो डी तो वही कॉन्स्टेंट रहा है, ये थ्री सिक्स फाइव जो भी है ये मैंने आई के थ्रू लिया है। समझे नहीं, जैसे मैं यहाँ पे आई लगा देता हूँ, मान लीजिए मेरा आई का कीवर्ड था, ये 10 बार चल रहा है, हर बार मैं डी 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 इसी तरह से आ रहा, अब ये वैल्यू हर बार मेरी लूप में बदलती गई, तो इसका जब मैंने कंकेटेनेट कर दिया एंड कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी, इसको अगर मैं इनडायरेक्ट वैल्यू नहीं, जो रेंज का फॉर्मूला है वो क्या कर रहा है, इसे इनडायरेक्ट फंक्शन की तरह यूज कर रहा है। अब ये देखिए, अब जो यहाँ रिजल्ट था वो यहाँ दिखाने लगा है। इनडायरेक्ट उस पे जा, फॉर्मूला पे जाइए, इनडायरेक्ट आई एट, आई एट मीन्स ये डी थ्री ले रहा है, डी थ्री की वैल्यू आपको यहाँ दिखा रहा है, यही सिस्टम वहां हुआ है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि रेंज के अंदर जो मैंने डी डाला है और आई के अंदर से जो लूप के वजह से इसमें बदल बदल के वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 आ रही है, वो इसमें ज्वाइंट हो जा रही है, तो रेंज का जो फंक्शन क्या कर रहा है उसको एक एड्रेस में चेंज कर दे रहा है, यानी डी वन को डी वन के एड्रेस पे चला जा रहा है और यहाँ की वैल्यू को 900 सेट कर दे रहा है। अब जैसे ही लूप चला मैंने एक छोड़ के दिया स्टेप टू, स्टेप टू आया तो वो डी के साथ थ्री ज्वाइंट होके डी थ्री बन गया जिसकी वैल्यू 900 पे सेट हो गई। ठीक है जी, ओके। एक बार मैं इसको स्टेप में चलाता हूँ तब मेरे ख्याल से ज्यादा चल, यहाँ पे मैं एक वॉच ऐड कर देता हूँ, आई की वैल्यू दिख रही है। अब मैं इसको स्टेप में चलाता हूँ प्रोग्राम को, पहले यहाँ पे आया आई की वैल्यू देखेंगे एक लिया फर्स्ट टाइम में, नेक्स्ट आगे चला आई में स्टेप टू है यहाँ, तो अब यहाँ पे प्लस हुआ तीन हो गई, अब इस तीन का इम्पैक्ट क्या आया, इस डी में जुड़ गया डी थ्री। अब रेंज ने क्या किया, इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूला की तरह डी थ्री को डी थ्री रेंज पे गया और 900 वहां वैल्यू सेट कर दी, यहाँ पे गया यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू सेट कर दी। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी F8 एग्जीक्यूट हो गई, अब इधर क्या हुआ, ये डी थ्री पे आ गया क्योंकि वन की वैल्यू जो थी वो दो स्टेप मतलब दो जुड़ गए उसमें तीन आ गई, आई में जो वैल्यू वन थी वो अब तीन में कन्वर्ट हो गई, दो प्लस होके। ओके सर, चलिए आगे देखिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आगे समझ में आएगा। हेलो अरुण जी, या गो अहेड, ओके, आपको ये क्लियर है ना, तो ये स्टेप का फॉर्मूला क्या करता है, स्टेप का जो कीवर्ड जो है ये दो दो इसमें प्लस कराता जा रहा है और आपकी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जा रही है। अब इसमें एक अपनी प्रॉब्लम बदलते हैं थोड़ा सा, अब हमें लूप पता पड़ गया है लूप किस तरह से काम करता है,
अब मेरे पास कुछ नंबर्स यहाँ पे हैं, और जो ग्रेटर देन 50 नंबर्स हैं वो मुझे यहाँ ई में सेव कराने हैं। जो भी नंबर हमारे ग्रेटर देन 50 हैं वो यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें जो लूप है वो सेकेंड रो से लेकर यहाँ तक इसमें वैल्यू है 33 तक ये चलाना पड़ेगा। A2 से A33 तक हमें चलाना पड़ेगा। अब A2 से A33 तक कैसे चलेगा, इसको मैं 2 पे सेट कर देता हूँ और इसको मैं 33 पे सेट कर देता हूँ। स्टेप हटा देता हूँ क्योंकि मुझे सिंगल इंक्रीमेंट ही चाहिए। यहाँ पे रेंज में मैं ए की जो वैल्यू है उसे मुझे चेक करना है, क्या ये ग्रेटर देन 50 है, क्या ये ग्रेटर देन 50 है। अब ये जो लॉजिकल कंडीशन है वो मैं किससे चेक करूंगा, इफ फॉर्मूला के थ्रू। इफ में हम देन लगाएंगे और इफ जो क्लोज होता है हमारा एंड इफ से होता है। अब इफ और एंड इफ के बीच में जो होता है देन के बाद में वो तब चलता है जब ये कंडीशन ट्रू होती है। ये कंडीशन जब ट्रू होती है तो सबसे पहले तो मैं उसको उस वैल्यू को रेड करा देता हूं। लाने का मैं नेक्स्ट लूप में दिखाऊंगा। अब मैं इसको वैल्यू को रेड करा देता हूं। मैं क्या दूंगा इसमें रेंज ए एंड आई डॉट इंटीरियर डॉट फॉन्ट कलर डॉट कलर इक्वल टू वीबी रेड। ठीक है जी, अब इसको चला के दिखाता हूँ। तो जितनी भी 50 से अबव वैल्यू थी वो मेरी हाईलाइट हो गई एज ए रेड। अब तो ये मैंने इंटीरियर जो होता है इंटीरियर कलर के लिए होता है। अगर मुझे इसमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैं करूंगा डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू वी बी रेड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो नॉर्मल पे ले आता हूँ, नॉर्मल कलर पे। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये हमारे जो है रेड में आ गए। जिस तरह आप इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका जो पैटर्न है वो है इफ, बीच में जो आएगी आपकी यहाँ लॉजिकल कंडीशन आएगी, उसके बाद आपका देन का कीवर्ड आएगा और यहाँ जो आप देंगे वो हमारा वर्क होगा। मैंने दिया रेंज डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू वीबी रेड। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने रेड तो करा दिए पर जो मेरे को जो बाकी वैल्यू है उसको मैं उसका कलर जो है ग्रीन कराना चाहता हूं। तो एल्स में, इफ में दो पार्ट होते हैं, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। सो जब वैल्यू इफ ट्रू है तो ये वाला चलेगा और वैल्यू इफ फॉल्स है तो ये वाला चलेगा, एल्स के बाद का चलेगा। इफ में यहाँ लॉजिकल कंडीशन हो गई, देन कीवर्ड हो गया और यहाँ जो वैल्यू इफ ट्रू आप लगाते हैं वो यहाँ लग गया। वैल्यू इफ फॉल्स को आप एल्स के अंदर दे सकते हैं और एनकैप्सुलेटेड विद एंड इफ। तो ये आपकी इफ स्टेटमेंट है जो चलती है, अभी भी ये लूप के अंदर चल रही है। अब इसमें मैंने क्या करना है, वीबी रेड की जगह वीबी ग्रीन कर देना है। तो अब देखते हैं, चला के प्ले करते हैं, तो ये आपकी बाकी वैल्यूज जो हैं ग्रीन में
कन्वर्ट होगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन वैल्यूज को यहां पे लाऊंगा इसके अंदर। इसमें मुझे क्या करना है, जब भी ट्रू हो, जब भी ट्रू हो यानी वीबी रेड में जो वैल्यूज आ रही हैं उसको मुझे वहां लेके आना है। वहां ये मेरा जो है ई है, इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रेंज ई 63,000 कर देता हूं ताकि वो लास्ट में जाए पहले रेंज में, फिर इसमें लगा देता हूं एंड एक्सेल अप एंड एक्सेल अप देन ऑफसेट। ऑफसेट क्या करेगा, ऑफसेट 1 कर देता हूं, रो ऑफसेट कॉलम 0 डॉट वैल्यू जो है उसकी वैल्यू जो है आपके रेंज ए कंकेटिनेट आई डॉट वैल्यू के बराबर हो जाए। अब देखिए ये रेंज का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। रेंज में मैंने बोला 6500 पे जाओ, फिर एंड एक्सेल अप मतलब एंड प्रेस करो और अप की जो एरो की है उसे प्रेस करेंगे, फिर ऑफसेट के जरिए रो में एक नीचे उतर आएंगे। मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ इसमें ई 6500 में जाता हूँ, 65,000 में चला गया, यहाँ नीचे पहुंच गया। अब मैं अपने कीबोर्ड से एंड प्रेस करूंगा, यहाँ पे एंड मोड आ गया। अब जैसे मैं अप एरो की प्रेस करूंगा ये सबसे ऊपर चला गया मेरा जहां तक वैल्यू थी। अब इसके बाद ऑफसेट के थ्रू क्या किया मैंने, एक नीचे उतर आया, यही इसमें 65,000 पे गया, एंड प्रेस हुआ, एक्सेल अप मतलब एरो की अप की प्रेस हुई, फिर ऑफसेट से ये एक नीचे उतर आया, एक वैल्यू नीचे उसी कॉलम में 0 कॉलम। और जो इसकी वैल्यू हो वो रेंज ए एंड 1 से हो जाए, मतलब कि ये जब कंडीशन ट्रू हो, जब ग्रेटर देन 50 हो तो ये वाली वैल्यू यहां पे आ जाए। अब इसको चलाते हैं, मैक्रो को हम चलाते हैं, ये सारी वैल्यूज आप यहां देख सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अरुण जी अपने जो सेकंड वन है वो वहां तक ऑरेंज एल्स अपने, हाँ ये अभी जो फॉर्मूला लगाया आपने, हाँ जी और रेंज कलर वाले के रेफरेंस क्यों नहीं ले रहा, वो खाली ऊपर का ही ले रहा है क्या, हाउ इट इज ऐसे ये क्यों नहीं ले रहा वो, कलर वेब वीबी रेड का या वीबी ग्रीन का क्यों नहीं ले रहा हो, वो फर्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हो। देखिए वीबी रेड का इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक इफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है सर। तो अगर मैं जाऊं अपने पीएलटी पे तो मैं आपको बेटर समझा सकता हूं। हर बार नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी, वो क्योंकि ये आपकी इफ की कंडीशन है, इफ की कंडीशन है, लेस देन 50 का भी वैल्यू ले सकता था ना वो, नहीं लेता मोर देन 50 की, हाँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगाई हुई है और इफ और एल्स के बीच में जो वैल्यू है वो ये तभी चलेगी जब ये कंडीशन ट्रू होती है।
जब आपकी रेंज की वैल्यू 50 से ज्यादा होगी तब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ। अभी रुकिए मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एल्स में आता हूँ और यहाँ इनके बगल में ई के बाद कौन सा होता है, एफ। एल्स की वैल्यू एफ में सेट कर देता हूँ, मतलब जो लेस देन इक्वल टू, समझ गया हाँ जी, लेस देन इक्वल टू 50 होंगे वो इधर आ जाएंगे। ये जो होंगे अब इधर आ जाएंगे। मैं मैक्रो चलाता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये इसी पैटर्न पे काम कर रहा है। हाँ अब देखिए, अब मैं मैक्रो चलाता हूँ, लेस देन इक्वल टू 50 इधर आ गया और ग्रेटर देन 50 इधर आ गया, यानी कि वो जो इफ का फॉर्मूला है ना वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक कर रहा है। इफ का फॉर्मूला जो है ये इस कंडीशन के बेस पे, जब ये ट्रू होती है तो ये कंडीशन ये चला देता है और फॉल्स होती है तो ये चला देता है। ठीक है, राइट, नो इशू, चलो ठीक है जी। और ये लूप हमारा 2 से लेकर 33 तक तो चल ही रहा है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा और डायनेमिक बनाते हैं। क्या होता है कि हमें नीचे से 33 तो मैंने देख लिया था, पर अगर नहीं पता है उसमें वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो यहाँ पे मैं एक चीज और लगा सकता हूँ, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, और इसमें मैं रेंज दे सकता हूँ, ये मैं रेंज दे देता हूँ, ए की मैंने पूरी दे दी। ठीक है जी, ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसमें मैंने क्या किया, एक काउंट ए फंक्शन है हमारे पास, इसमें मैंने ये वैल्यू दे दी। ठीक है जी, अब ये मुझे रिटर्न कर रहा है। इसका फायदा ये होगा, अगर यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है तो ये अपने आप को इंक्रीज कर लेगा। ठीक है जी, डायनेमिक हो जाएगा। तो 67 की वैल्यू जो थी वो इंक्रीज हुई थी, अगर मैं अब वो चलाता हूं, कहाँ गया, 67 की वैल्यू, जो भी वैल्यू इंक्रीज हुई थी, देखते हैं रन, क्या वहां तक काम नहीं कर रहा है, 6500 एक्सेल है, इसमें काउंट ए एक फंक्शन है हमारे पास, ये इसलिए कर रहा है कि जो वैल्यू आई हो उसको दिखा ना पाए। मैं एक सी इंट का फंक्शन लगा देता हूँ, सी इंट क्या करता है, किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, देखते हैं आप कोई काम करता है नहीं। स्टेप में चला के देखता हूँ क्या यहाँ पे कुछ एरर है, इस फंक्शन में कुछ एरर है मेरे हिसाब से। ओके, इसके अंदर मुझे लगाना पड़ेगा रेंज, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो है क्या है। अब आ गया, और 67 की वैल्यू आप यहाँ ऐड हुई देख सकते हैं। काउंट ए जो हमारा है फंक्शन, वो सिर्फ इसमें चलता है अपने एक्सेल वर्कबुक में, इसके अंदर नहीं होता, वीबीए के लिए वो फंक्शन नहीं है। तो जब कुछ फंक्शन अगर आपको ऐसे यूज करने होते हैं जो आपकी वर्कशीट में होते हैं खाली, देन आप एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट करके वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और काउंट ए जो है वो रेंज ही लेता है, एड्रेस लेता है, तो इसके लिए इसको मुझे रेंज के अंदर डालना पड़ा।
ओके, ये चीज क्लियर है सर? अरुण जी क्लियर है ये? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। हेलो, हाँ जी, तो ये था सर आपका लूप का कुछ इंट्रोडक्शन, जिसको मैं कल और भी इसमें आगे बढ़ेंगे। हमारे लूप के कुछ और पैटर्न्स हैं, जैसे डू वाइल लूप है, डू अंटिल लूप है, वो कल मैं आपको इसमें और भी एग्जांपल दिखाऊंगा इसके। फ्राइडे की क्लास रिकॉर्डेड है, हाँ जी, वो भी रिकॉर्डेड है। वो वीडियो मिलेगा। हाँ बिल्कुल सर, मिल जाएगा। आप ऐसा कीजिए सर, आप जो मैं जिसका लिंक भेजूंगा ना, उसमें बीबीए की कोई भी क्लास अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसमें, ठीक है जी? तो आप मेरा जैसे यूट्यूब में अकाउंट है, तो मेरी वीडियोस वहां से जाके देख सकते हैं। जैसे अब मेरे में सब्सक्राइब करेंगे जाके, तो आपको रिसेंट में ये सारी मिल जाएंगी। जैसे हमारी ये वीबीए मैक्रो की चल रही है, तो ये PLT 3, और नीचे आएंगे PLT 2, उस डेट में आप देखेंगे कि कब अपलोड हुई थी, तो वहां पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है जी? बाकी मैं आपको लिंक भेज देता हूँ इनके, ठीक है सर? आपका ईमेल आईडी नहीं आ रहा मेरे पास, ईमेल आईडी दे दीजिए जरा, या आपने दिया है मेरे को पहले कभी? मैं आपको इसमें मेल कर देता हूँ।